हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फुल ऑन फ्लेक्स में। तो कहानी शुरू होती है अर्थ के कोर, यानी जिसे होलो अर्थ का नाम दिया गया है। और होलो अर्थ के अंदर कॉन्ग के पीछे बहुत से खूंखार जानवर पड़े हुए थे। वहीं कॉन्ग भागते हुए खाई के पास आकर रुक गया, और जैसे ही ये खतरनाक जानवर कॉन्ग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़े, तभी कॉन्ग ने यहाँ एक पत्थर को गिराते हुए छुपी हुई खाई का मुंह खोल दिया, और बहुत से जानवर कॉन्ग के बनाए इस ट्रैप में गिर गए, जिनमें से एक को पकड़कर कॉन्ग ने उसके दो हिस्से करकर उसे मार डाला। और ये देखकर बाकी जानवर डरकर वहां से भाग गए। अब दूसरी तरफ हम अर्थ के सरफेस पे डॉक्टर एलियन से मिलते हैं, जो दुनिया में टाइटंस की वजह से आने वाले खतरों की जांच करती है। उनके भेजे हुए सिग्नल्स की मदद से गॉडजिला, जो कि खुद एक मॉन्स्टर है, वो भी इंसानों की इन खतरनाक टाइटंस से हिफाजत करता है, और वो समुद्र की गहराइयों में रहता है। वहीं एक दिन रोम में जब किसी खतरनाक टाइटन ने हमला किया, तो गॉडजिला उसे मारने के लिए पानी से बाहर निकल आया। गॉडजिला ने उस टाइटन से लड़ाई की, उसे हराते हुए आखिर में गॉडजिला ने उसे अपनी एटॉमिक रेस के जरिए मार दिया, जिसके बाद वो दोबारा पानी में चला गया। जबकि यहाँ डॉक्टर एलिन के ऑफिस में हमें बताया जाता है कि होलो अर्थ से उन्हें कुछ अजीबोगरीब सिग्नल मिल रहे थे, जिन सिग्नल्स को डॉक्टर एलिन भी देखकर काफी परेशान थी। वहीं उनकी अडॉप्ट की हुई बेटी जिया को स्कूल में देखते हैं, और जिया को क्लास में बैठे बैठे ही अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे, जिसके चलते वो अपनी टेबल के ऊपर कुछ ड्राइंग्स बना देती है। और ये देखते हुए उसकी क्लास के बच्चों के साथ उसकी टीचर भी डर जाती है कि पता नहीं उसे क्या हुआ है। और इसके बाद जिया के लिए डॉक्टर एलिन को स्कूल बुलाया जाता है, जहां जिया उन्हें बताती है कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। जिया जो स्कल आइलैंड की आईवी ट्राइब की आखिरी मेंबर थी, जो लोगों के साथ बात कर सकती थी। रात में जिया को दोबारा से वही सपने दिखाई देते हैं, और वो इन सारी चीजों से घबराकर डॉक्टर एलिन से कहती है कि मुझे लगता है कि होलो अर्थ में कॉन्ग किसी मुश्किल में है और मुझे उससे मिलना चाहिए। और डॉक्टर एलिन जवाब में कहती है, ओके ठीक है, हम कुछ करेंगे इस बारे में, लेकिन अभी तुम जाकर सो जाओ। वो अब जिया की बनाई हुई ड्राइंग्स को गौर से देख रही थी, जिन्हें देखते ही उन्हें याद आता है कि दोपहर में होलो अर्थ से जो उन्हें सिग्नल्स मिले थे, वो भी जिया की बनाई हुई ड्राइंग जैसे ही थे, जिन्हें लेकर वो जल्दी से एक एक्सपर्ट बर्नी के पास जाती है, और वो बता सकता था कि ये सिग्नल किसी टाइटन के भेजे हुए हैं। इन सिग्नल्स को गौर से देखते हुए बर्नी भी एलिन की बातों से सहमत होता है, और बताता है कि ये सिग्नल शायद किसी बड़े हादसे के होने के संकेत हो सकते हैं। उसी टाइम पर डॉक्टर एलिन को मैसेज मिलता है कि पानी के अंदर गॉडजिला भी जाग चुका है, जो देखने के बाद वो ये समझ जाते हैं कि जरूर दुनिया के ऊपर कोई खतरा आने वाला है, जिसे गॉडजिला ने पहले ही भाप लिया था। पानी से निकलने के बाद गॉडजिला ने यरूशलेम को ही अपना ठिकाना बनाया था, और यही दिखाया जाता है कि होलो अर्थ से कॉन्ग भी निकलकर अर्थ की सरफेस पर आ चुका है, जिसे बाहर निकलता हुआ डॉक्टर एलिन और जिया दोनों ही देख रहे थे। कॉन्ग उन्हें समझा देता है कि वो अपने दांत के दर्द से परेशान है, और उसके दांत का इलाज करने के लिए डॉक्टर एलिन यहाँ पर अपनी एक टीम मेंबर ट्रैपर को बुलाती है, जो एक प्लेन से लटक कर कॉन्ग के दांत के ऊपर एक रस्सी बांध देता है, और प्लेन में जाकर जोर से उस रस्सी को खींचते हुए कॉन्ग का दांत निकाल देता है। और कुछ ही देर के बाद इन लोगों ने कॉन्ग को एक नकली दांत भी लगा दिया था। इसके बाद बर्नी एलिन को बताता है कि ये सभी भेजे हुए सिग्नल्स कई सालों के पैटर्न से मेल खा रहे हैं, और इन सिग्नल्स को कोई तो भेज रहा है होलो अर्थ से। जिसके बाद इस बात से निपटने के लिए डॉक्टर एलिन अर्थ के कोर में जाने का फैसला करती है, और अपनी एक टीम बनाती है, जिसमें वो अपनी बेटी जिया, बर्नी, ट्रैपर और एक पायलट के साथ होलो अर्थ की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग कॉन्ग के साथ अब होलो अर्थ के अंदर जा रहे थे, और ये सफर बहुत ही खतरनाक था, जिसको पार करते हुए इनकी हालत भी काफी खराब हो रही थी। लेकिन वो फाइनली होलो अर्थ में पहुंच चुके थे, जो एक खूबसूरत जगह थी। यहाँ कॉन्ग अपने घर की तरफ चला गया, जबकि ये लोग यहाँ अपनी बनाई हुई बेस की तरफ निकल गए थे, जिससे उनके कॉन्टैक्ट टूट चुके थे। वहीं अर्थ सरफेस पर गॉडजिला की मूवमेंट को देखा जा रहा था, ताकि पता चला जा सके कि खतरा आखिर है कहाँ। और दिखाया जाता है कि गॉडजिला तो इसी आने वाली जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, वो अपनी एटॉमिक रेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। यहीं पर ही मोनार्क बेस की आर्मी उसके ऊपर बहुत से हमले करते हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर अपनी एटॉमिक रेस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। यहाँ होलो अर्थ के अंदर डॉक्टर लिन देखती है कि उनकी जो बनाई मोनार्क बेस यहाँ बनाई हुई थी, उसे कोई तबाह कर चुका है। वहीं होलो अर्थ में कॉन्ग को भी किसी एनर्जी के होने का एहसास हुआ, जिससे लड़ने के लिए अब वो अपनी एक्स उठाकर उस एनर्जी का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था, और एक खाई को पार करते हुए और उसने अचानक होलो अर्थ में ही एक नई जगह को एक्सप्लोर किया। यहीं पर उसे एक बहुत बड़ा साया नजर आ रहा था। जैसे जैसे वो साया करीब आया, तो कॉन्ग ने देखा वो तो एक छोटा सा गोरिल्ला है, और उसका नाम सूको होता है। कॉन्ग उसे दोस्ती करने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाता है, तो सूको उसके हाथ को काट लेता है, जिसके बाद वो वहां से भागने लगता है। लेकिन कॉन्ग भी जब उसके पीछे भाग रहा था, तो यहाँ पर
उसके जैसे काफी सारे गोरिल्ले आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। कॉन्ग पहली बार अपने जैसे इतने बड़े गोरिल्लास को देख रहा था। वो एक ही पल में अपने आप को इन सबसे आजाद करवा लेता है और जैसे ही सुको उसके सामने आता है तो कॉन्ग उसे एक बैट की तरह उठाते हुए उन सबकी पिटाई करके उन सभी गोरिल्लास को मार गिराता है। जिसके बाद अब वो सुको को अपने कबीले में ले जाने के लिए कह रहा था और सुको भी कॉन्ग की बात मान लेता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ होलो अर्थ के अंदर ही हम डॉक्टर एलिन के साथ साथियों को देखते हैं जो सिग्नल्स का पता चलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनका पायलट इन सबको बताता है कि ये जगह काफी खतरनाक है और अगर उन सबको सेफ रहना है तो उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, पीछे से एक बड़ा सा पेड़ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उसे एक ही मिनट में हड़प कर जाता है और डर से अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जहां जिया को किसी कबीले का निशान और खंडर नजर आया जो एक प्राचीन मंदिर का होता है, तभी एक बटरफ्लाई आकर यहाँ एक पत्थर पर बैठ जाती है और जिया जैसे ही उस पत्थर को टच करती है तो यहाँ एक छोटी सी टनल के अंदर से पानी निकलने लग जाता है। जिस पानी का पीछा करते हुए ये लोग ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इनविजिबल प्रोटेक्टिव बायोशील्ड लगाई थी। फिर डॉक्टर एलिन ने जैसे ही इस प्रोटेक्टिव शील्ड को खोला तो उन्हें सामने एक और नई दुनिया नजर आ रही थी जो जिया को अपने सपनों में दिखी थी। वहीं दूसरी तरफ अब कॉन्ग और सुको को देखते हैं। सुको कॉन्ग को अपने कबीले में नहीं लेकर जाना चाहता था और वो धोखे से कॉन्ग को एक नदी में ले जाता है और वहां पानी पीते वक्त एक पानी का मॉन्स्टर कॉन्ग पर हमला कर देता है और ये सब देखकर सुको वहां से भाग जाता है और भागते भागते अचानक उसके सामने कोई चीज आकर गिरती है और वो कुछ नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर का सर था जिसे अब कॉन्ग मार चुका था। ये दोनों अब कबीले की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और दिखाया जाता है कि रास्ते में दोनों ही मिलकर उस मरे हुए मॉन्स्टर का गोश्त भी खाते हैं। फिर वही अर्थ के सरफेस पर गॉडज़िला नींद से उठकर समुद्र में ही रहने वाले एक टाइटन को मारने के लिए वो उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। गॉडज़िला अब अपनी एटॉमिक रेस का इस्तेमाल करते हुए इस टाइटन को खत्म कर देता है। यहां होलो अर्थ में जहां डॉक्टर एलिन को एक नया इलाका मिला था, ये लोग जैसे ही उस इलाके के अंदर एंटर करते हैं तो बहुत से इंसान इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये वही आईवी ट्राइब के लोग थे जो कॉन्ग से कम्युनिकेट कर सकते थे, उससे बात कर सकते थे और इन्होंने ही वो सिग्नल डॉक्टर एलिन तक पहुंचाए थे। फिर वो आईवी लोग जिया को अपने सरदार के पास ले जाते हैं जहां वो जिया को बताती है कि वो आने वाले भविष्य में इस कबीले की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी। अब डॉक्टर एलिन इन लोगों से खतरे के बारे में पूछती है जिसके सिग्नल ये लोग जमीन तक भेजा करते थे, जहां उन्हें बताया जाता है कि होलो अर्थ के अंदर कॉन्ग जैसे और भी बहुत से गोरिल्लास रहते हैं और उन सबके ऊपर एक खतरनाक गोरिल्ला जिसका नाम स्कार किंग है वो हुकूमत करता है और स्कार किंग होलो अर्थ के साथ साथ अर्थ के सरफेस के ऊपर भी हुकूमत करना चाहता था। और बहुत साल पहले जब वो इस मकसद में अर्थ के सरफेस पर पहुंच गया तो वहां गॉडज़िला ने उसे हराकर दोबारा होलो अर्थ के अंदर कैद कर दिया और अब वहीं दोबारा अर्थ के लिए खतरा है क्योंकि अब उसके पास एक खतरनाक टाइटन कैद में है जो गॉडज़िला को भी हरा सकता है। वहीं सुको कॉन्ग को लेकर अपने कबीले में आ चुका है जहां सारे गोरिल्ला काम पर लगे हुए थे और वो देखता है कि जब एक बूढ़ा गोरिल्ला अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था तो उसे मारा जाता है, जिसे देखकर कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो बूढ़े गोरिल्ले को मारने वाले गोरिल्ले को एक ही पंच मारकर बेहोश कर देता है। ये सब देखकर अब कबीले का सरदार स्कार किंग कॉन्ग के सामने आता है और कॉन्ग के सामने आकर हंसना शुरू कर देता है उसके मेटल दांत को देखकर। क्योंकि सुको कॉन्ग को कबीले में लेकर आया था तो स्कार किंग उसको गुस्से से देखकर उसके पास जाता है, लेकिन तभी सुको को बचाने के लिए एक बूढ़ा गोरिल्ला स्कार किंग को रोकता है और वहीं स्कार किंग अपना दबदबा दिखाने के लिए उस बूढ़े गोरिल्ले को जलते हुए लावा में फेंक कर मार देता है। वहीं ये सब देखकर कॉन्ग को स्कार किंग पर गुस्सा आ चुका था और वो स्कार किंग को चैलेंज कर देता है। तो स्कार किंग और कॉन्ग में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है जिसमें कॉन्ग का हाथ जख्मी हो जाता है। वहीं जब कॉन्ग स्कार किंग पे भारी पड़ने लगता है तो स्कार किंग बहते हुए लावा के झरने को बंद करवाता है और उसमें से एक खतरनाक टाइटन शीमो बाहर आता है जिसे स्टार किंग एक क्रिस्टल की मदद से काबू में रखता है और स्कार किंग उसको कॉन्ग के ऊपर हमला करने को कहता है और मजबूरन शीमो कॉन्ग के ऊपर बर्फ उगलकर उसके एक हाथ को जख्मी कर देता है। तभी सुको कॉन्ग को वहां से भागने के लिए कहता है और सुको और कॉन्ग दोनों वहां से भाग निकलते हैं। उन दोनों को पकड़ने के लिए बहुत से गोरिल्ला भी उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं कॉन्ग ने रास्ते में बहुत सारे ट्रैप लगाए हुए थे जिसमें एक एक करके कई गोरिल्ला मारे जाते हैं और आखिरी ट्रैप के बाद रास्ता खत्म हो जाता है और बाकी बचे हुए गोरिल्ला उसका ट्रैप देख लेते हैं और कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सुको उस ट्रैप को एक्टिव कर देता है और सारे गोरिल्ला पर चट्टाने गिर जाती हैं और वो सब दब जाते हैं, लेकिन उनमें एक गोरिल्ला फिर भी बच जाता है
और वो गोरिल्ला उन दोनों का चुपके चुपके पीछा करने लगता है। वहीं गॉडज़िला समुद्री टाइटन टाइमेट को मार के उसकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ होलो अर्थ के कबीले के लोग टाइटन की रानी मोथरा को जगाने के लिए जिया को चुनते हैं और साथ ही वो कोई मशीन चलाने लगते हैं, जिस मशीन के चलते ही यहाँ वो छुपी हुई प्रोटेक्टिव शील्ड खुल जाती है, जो एक किस्म का दरवाजा था जहाँ से कॉन्ग और सुको कबीले के अंदर आ जाते हैं। वहीं उनका पीछा करता हुआ गोरिल्ला भी यहाँ मौजूद अर्थ पे जाने का रास्ता देख लेता है और वापस स्कार किंग को बताने के लिए लौट जाता है। और स्कार किंग को वो पूरी बात बताता है कि उसने अर्थ सरफेस पर जाने वाला पोर्टल देख लिया है, और ये सुनकर स्कार किंग अपनी सेना और टाइटन शीमो को लेकर चल देता है पोर्टल की तरफ। वहीं गॉडज़िला को भनक पड़ चुकी थी, क्योंकि गॉडज़िला ने ही स्कार किंग और उसके आइस टाइटन शीमो को हेलो अर्थ के अंदर कैद किया था। यहाँ होलो अर्थ के अंदर डॉक्टर अलीन की टीम कॉन्ग को चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि उसका हाथ खराब हो चुका है, जिसका इलाज करने के लिए ट्रैपर अपना बनाया हुआ एक मेटल आर्मर होलो अर्थ के डिस्ट्रॉयड बेस से लाके कॉन्ग के हाथ पर लगा देता है, जिसे कॉन्ग तुरंत ठीक हो जाता है और अब वो लड़ने के लिए तैयार था। वहीं सुको देखता है कि स्कार किंग अपनी सेना लेके कबीले की तरफ बढ़ रहा था और ये बात जाकर वो कॉन्ग को बताता है। कॉन्ग जो कि पहले ही स्कार किंग को एक बार हरा चुका था और अब वो जान चुका था कि वो अकेला लड़ नहीं सकता, इसलिए उसको गॉडज़िला की मदद लेनी ही पड़ेगी। और कॉन्ग फिर तुरंत वहीं पोर्टल से गॉडज़िला को लेने के लिए निकल जाता है और कॉन्ग इजिप्ट में आकर अर्थ सरफेस पर निकलता है। वहीं गॉडज़िला भी अर्थ की तरफ आते आते कॉन्ग की मूवमेंट जान चुका था और वो कॉन्ग की तरफ लड़ने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन कॉन्ग उससे लड़ना नहीं चाहता था और उसको पोर्टल में ले जाने के लिए वो इशारा करता है, पर गॉडज़िला उस पर हमला कर देता है और दोनों में एक बार फिर जंग शुरू हो जाती है। वहीं होलो अर्थ में जिया टाइटन्स की रानी मोथरा को जगा देती है और मोथरा जिया को लेके उड़ती हुई पोर्टल के बाहर निकल जाती है और सीधा लड़ते हुए कॉन्ग और गॉडज़िला के पास पहुंच जाती है और उनको अपनी आवाज़ में बताती है कि दोनों को तुरंत वापस होलो अर्थ में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि स्कार किंग कबीले के पास पहुंच चुका है, जबकि पीछे से आईवी ट्राइब के सरदार अपनी ट्राइब के ऊपर दोबारा से प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं और साथ ही साथ वहां लगे पिरामिड्स को जोड़ने के लिए एक लाल रंग का पदार्थ वहां पानी में डालते हैं, जिससे एक ऊर्जा बनती है जो कि पोर्टल बंद कर सकती थी। लेकिन तभी स्कार किंग वहां पहुंच जाता है और शीमो की मदद से वहां के पिरामिड्स को बर्फ से जमा देता है ताकि पोर्टल बंद ना हो सके, और इससे पहले कि स्कार किंग पोर्टल में जा पाता, वहां ट्रैपर अपने प्लेन के साथ कुछ शिकारी पक्षियों को ले आता है जो स्कार किंग और उसकी सेना पे हमला करके उनका ध्यान भटकाती हैं। और तभी कॉन्ग और गॉडज़िला और मोथरा भी वहां पहुंच जाते हैं और अब शुरू होती है फाइट स्कार किंग शीमो वर्सेस गॉडज़िला कॉन्ग की। और तभी मोथरा पिरामिड में जमी बर्फ को हटा देती है और उसी वक्त वो ऊर्जा वहां ग्रेविटी पैदा कर देती है, जिससे लड़ाई अब हवा में चलती रहती है। वहीं शीमो गॉडज़िला पर भारी पड़ने लगता है और उसको कई बार बर्फ से जमा देता है, लेकिन मोथरा तुरंत उसकी बर्फ हटा देती है। तभी लड़ते लड़ते अचानक यहाँ पर ग्रेविटी खत्म हो जाती है और सब किसी तरह अर्थ के पोर्टल में गिरकर अर्थ की सरफेस पर आ जाते हैं ब्राजील में। और ये देखकर स्कार किंग सबसे पहले शीमो के जरिए वहां के बादलों को जमा के वहां सूरज की रोशनी खत्म करवा देता है, फिर समुद्र को और पूरे ब्राजील को फ्रीज करना शुरू कर देता है, इससे पहले कि वो और तबाही कर पाते। वहां गॉडज़िला और कॉन्ग दोबारा यहां आकर उनसे लड़ने लग जाते हैं। स्कार किंग कॉन्ग की तरफ एक बिल्डिंग को उठाकर फेंकता है, जिसे कॉन्ग बड़ी ही आसानी से अपने मेटल हैंड से तोड़ देता है, जिसके बाद कॉन्ग स्कार किंग को एक जोरदार पंच मारता है जिससे उसका दांत टूट जाता है और वो गिर जाता है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए गॉडज़िला उसकी बेल्ट के ऊपर लगे क्रिस्टल को अलग कर देता है, जिसकी मदद से वो शीमो को कंट्रोल में किया करता था। वहीं कॉन्ग इस क्रिस्टल को तोड़ना चाहता था, लेकिन पीछे से किंग उसको पकड़ लेता है और इससे पहले कि किंग अपने उस क्रिस्टल को वापस हासिल कर लेता, तभी वहां सुको कॉन्ग की एक्स को लिए पहुंच जाता है और वो एक ही वार में उस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से यहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और अब शीमो स्कार किंग की कैद से आजाद हो जाता है। वहीं अब गॉडज़िला और कॉन्ग स्कार किंग को किसी बॉल की तरह एक दूसरे की तरफ फेंक फेंक कर मार रहे थे। अब शीमो भी अपने आप को कैद में रखने का बदला इस किंग से लेता है और इस किंग को अपनी आइस से जमा देता है। और कॉन्ग देखता है कि स्कार किंग की एक आंख अभी भी नहीं जमी थी, जिसका मतलब था कि वो अभी जिंदा था। तभी कॉन्ग उसे जोर जोर से जमीन पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद गॉडज़िला अपनी एटॉमिक पावर्स का यूज करके बादलों के ऊपर से सारी बर्फ हटा देता है। वहीं होलो अर्थ के अंदर अब एलीन जिया को उन कबीलों वालों के साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन जिया एलीन से कहती है कि मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, और इसी के साथ वो अर्थ की तरफ अब निकल जाते हैं।
वही सारी लड़ाई के बाद गॉडज़िला थक चुका था और वो यरूशलेम में जाकर सो जाता है, जबकि कॉन्ग वापस होलो अर्थ के अंदर आ चुका था और अब शिमो, कॉन्ग और सुको साथ में स्कार किंग के कबीले पर पहुंचकर वहां के गोरिल्लास को आजाद कर देते हैं और इसी तरह ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें।